गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपने पिछले वीडियो में अपने गोले दर्पण से अलग अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब प्राप्त किए थे। अगला टॉपिक अपना फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे दो। इससे अपन को ये पता चल रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। फोकस दूरी को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से। तो एफ बराबर आर अपॉन टू। अगर इस दो को इस साइड में ले जाएं तो R बराबर 2AB हो सकता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है। अब अपना अगला टॉपिक रहेगा कि अपन इसको सिद्ध करेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। अगला टॉपिक क्या रहेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। देखो, अपने एक एग्जांपल ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। ये एक अवतल दर्पण लिया, ये इसका द्वारक हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका ओ बिंदु, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। अब इसके ऊपर अपने एक प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं। ये एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जिसका नाम रख दिया आर पी, और परावर्तन की पश्चात ये किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस से गमन करती है जिसका नाम रख दिया पुण्य पी क्यू। ठीक है भाई, अब इस पी के ऊपर अपन अभिलंब डालते हैं। पी के ऊपर एक अभिलंब डालते हैं, एक अभिलंब डाल दिया। तो अभिलंब डालने से ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं भाई,
आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण को अपन किससे लिखते हैं? कोण आई से। परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं? कोण आर से। ऐसा अपन एक किरण आरेख बना लेंगे। फिर जैसे जैसे अपन ने किरण आरेख बनाया उसकी अपन व्याख्या करेंगे। तो ऊपर युक्त किरण आरेख में आरपी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है एवं अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात PQ दिशा में गमन करती है जो मुख्य अक्ष के F बिंदु पर काटती है। CP रेखा पी पर अभिलंब है अतः CP बराबर आर अवतल दर्पण की वक्रता वक्रता त्रिज्या होगी वक्रता त्रिज्या होगी। देखो भाई, जैसे अपन ने किरण आरेख बनाया, ओनली उस किरण आरेख में जैसे जैसे अपन ने काम किया या कार्य किया उसके अनुरूप अपन ने वाक्य व्याख्या की। ऊपर युक्त किरण आरेख RP आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है एवं अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात PQ दिशा में गमन करती है। जो मुख्य अक्ष को F बिंदु पर काटती है और जो ये CP रेखा है P के ऊपर अपने अभिलंब डाला था, CP रेखा P पर अभिलंब है अतः CP बराबर R अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब अपन ने इसी पाठ में पहले परावर्तन के नियम पढ़े थे,
परावर्तन का दूसरा नियम था, परावर्तन कोण का मान व आपतन कोण का मान क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो अपने यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। कहने का मतलब कोण आई आपतन कोण है और कोण आर परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण आई और ये कोण आर, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हैं, बराबर। तो दूसरे तरीके से अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण आई को अपन क्या कह सकते हैं, कोण आर पी सी बराबर कोण क्यू पी सी, कोण आर पी सी बराबर कोण क्यू पी सी। कोण आई को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कोण आर पी सी। ये देखो ये कोण आई है आर पी सी और ये कोण आर है क्यू पी सी। तो कोण आई बराबर कोण आर या कोण आर पी सी बराबर कोण क्यू पी सी। चूंकि चूंकि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, क्योंकि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है जो आरपी है, अतः कोण आरपीसी बराबर, अतः कोण आरपीसी बराबर कोण पीसीएफ, कोण आरपीसी बराबर कोण पीसीएफ। ये देखो ये कोण आरपीसी, ये और ये भुजा दोनों समांतर हैं। अगर इनके मध्य में अपन कोई तिर्यक रेखा खींचें तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि भाई ये दोनों कोण आपस में कौन से कोण है, एकांतर कोण। तो अपन लिख सकते हैं अतः कोण आरपीसी बराबर कोण पीसीएफ, और कोष्ठक में लिख दो, कोष्ठक में क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अतः कोण पीसीएफ, अतः कोण पीसीएफ बराबर कोण क्यूपीसी, कोण क्यूपीसी। देखो आरपीसी और पीसीएफ कौन से कोण थे, एकांतर कोण, इसलिए बराबर हैं। तो कोण पीसीएफ इस कोण के बराबर ये कोण भी होगा। क्यों होगा, कि ये कोण तो पहले से ही बराबर थे परावर्तन के नियम से, और ये कोण और ये कोण कौन से कोण है, एकांतर कोण, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, और इस कोण के बराबर ये कोण भी है। तो अपन लिख सकते हैं अतः कोण पीसीएफ बराबर कोण क्यूपीसी बराबर। क्यूपीसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कोण एपीसी, कोण एपीसी एक ही बात है, क्यूपीसी और एपीसी। इसलिए एक अपने पास त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज की आकृति बन रही है, तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज पीसीएफ में, पीसीएफ
में, इसलिए क्या है भाई, ये त्रिभुज बन गया PCF, जिसके दो कोण क्या हैं, समान, और दो कोण समान है तो इसकी दो भुजाएं भी समान होंगी, तो इसलिए त्रिभुज PCF में PF क्या भाई, PF बराबर FC, क्या हो जाएगा, PF बराबर FC, समझ में आया कि नहीं। ये कोण बराबर हैं त्रिभुज में, दो कोण समान हैं, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो अपन लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज PCF में PF बराबर FC। यदि अब देखो आगे, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, छोटा हो तो बिंदु पी दर्पण के ध्रुव ओ के समीप होगा, बिंदु पी दर्पण के ध्रुव ओ के समीप होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पी बिंदु, अगर ये इस दर्पण का MN जो द्वारक है ये छोटा हो तो ये पी बिंदु कहाँ आ जाएगा, ओ पर, कहने का मतलब ओ के समीप आ जाएगा। तो दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु पी दर्पण के ध्रुव ओ के समीप होगा, अतः PF बराबर OF, अगर ये यहाँ आ जाएगा तो ये रेखा इसके ऊपर आ जाएगी, तो PF बराबर क्या हो जाएगा, OF। या FC बराबर क्या हो जाएगा, OF, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा पहले बराबर थी, अब इस भुजा की ये भुजा बराबर हो गई तो ये भुजा इसके भी बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा, FC बराबर OF, अथवा ओवर OF बराबर OC का आधा, कहने का मतलब एक बटा दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, OC, OF के बराबर क्या है, FC, तो OF की तुलना अपन किससे कर रहे हैं, OC से, तो OC से तुलना कर रहे हैं, तो OF आधे OC के बराबर होगा, तो अपन लिख सकते हैं OF बराबर एक बटा दो OC, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OC बराबर 2OF, OC बराबर क्या रख सकते हैं, 2OF, OC क्या है भाई, R, OC क्या है, R, क्योंकि ये अपन पहले ही पढ़ लिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R होती है, और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखें तो किसी गोले दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो ये रहा वक्रता केंद्र, यह है ध्रुव, तो ओ और सी के मध्य की दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे लिखेंगे, आर सी, टू के टू, और ओ एफ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी की परिभाषा भी अपन जानते हैं पहले से ही कि मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं, फोकस दूरी, तो ओ एफ को लिखेंगे अपन स्मॉल एफ से, तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर क्या हो गया भाई अपने पास, टू एफ,
आर बराबर क्या हो गया 2f, और यही अपन को सिद्ध करना था। क्या था अपना कि सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है, तो ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी है, और ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर है। इसलिए इति सिद्धम, ये अपने वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है, ऐसे अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और दोहरा रहा हूँ। देखो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष खींचेंगे, ध्रुव बिंदु अंकित करेंगे, मुख्य फोकस अंकित करेंगे, वक्रता केंद्र अंकित करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर अपन आरपी एक आप प्रकाश की आपतित किरण दर्शाएंगे, जो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एफ बिंदु या मुख्य फोकस से गमन करती है, जिसको अपन पी क्यू नाम देंगे। पी के ऊपर अगर अपन अभिलंब डालें तो वक्रता केंद्र से पी के ऊपर अभिलंब डलता है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य के कोण को अपन आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसा अपन ने किरण आरेख बनाया, जैसा जैसा किया उसको अपन यहाँ लिख देंगे। उपर्युक्त किरण आरेख आरपी आपतित किरण है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है एवं अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात पी क्यू दिशा में गमन करती है, जो मुख्य अक्ष को एफ बिंदु पर काटती है। सीपी रेखा पी पर अभिलंब है, अतः सीपी बराबर आर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फिर अपन परावर्तन के नियम से, अपन को पता है कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो कोण आई बराबर कोण आर, या कोण आई को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कोण आर पी सी बराबर कोण आर को लिख सकते हैं क्यू पी सी। चूँकि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, यह आपतित किरण है मुख्य अक्ष के क्या है समांतर, और जब दो समांतर किरणों के मध्य अगर अपन कोई त्रिज्या रेखा खींचें, जैसे ये दो समांतर किरण हैं, ये क्या हैं दो समांतर रेखा, और इनके मध्य ये अपन ने एक त्रिज्या रेखा खींच दी, तो ये कोण और ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं एकांतर कोण, जो क्या होते हैं भाई बराबर होते हैं। तो चूंकि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, अतः कोण आर पी सी, कोण आई, कोण आई को अपन किसे लिख रहे हैं कोण आर पी सी, तो अतः कोण आर पी सी बराबर कोण पी सी एफ, कौन कौन सा हो जाएगा ये, जिसका नाम हुआ पी सी एफ, क्योंकि दोनों कौन से कौन है एकांतर कौन, अतः कौन पी सी एफ, कौन पी सी एफ बराबर कौन क्यू पी सी भी होगा, क्योंकि ये कौन पहले से ही बराबर थे, इसलिए इस कौन के ये कौन भी क्या होगा बराबर होगा। तो अतः कौन पी सी एफ बराबर कौन क्यू पी सी बराबर क्यू पी सी को अपन दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कोण एफ पी सी। इसलिए अपने पास एक त्रिभुज बन गया ये पी सी एफ, तो इसलिए त्रिभुज पी सी एफ में पी एफ बराबर क्या है एफ सी। यदि इस दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु पी दर्पण के ध्रुव ओ के समीप होगा, और जब ये पी यहाँ आ जाएगा ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के ऊपर आ जाएगी, तो क्या होगा भाई पी एफ बराबर ओ एफ होगा। ये पी एफ है और ये है ओ एफ, ये इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ, तो ये इसके समान होगी, तो पी एफ बराबर ओ एफ या एफ सी बराबर ओ एफ, क्योंकि इस भुजा के ये भुजा पहले ही बराबर है, जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगी, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या एफ सी बराबर ओ एफ, अथवा ओ एफ बराबर एक बटा दो ओ सी। ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा एक बटा दो ओ सी, क्योंकि अब अपन ओ एफ की तुलना किससे कर रहे हैं ओ सी से, तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा ये दो इस बराबर के इस साइड में ले जाते हैं तो इससे गुणा हो जाएगा, तो ओ सी बराबर टू ओ एफ। ओ सी को किससे लिखते हैं आर से, और ओ एफ को किससे लिखते हैं एफ से, सॉरी स्मॉल एफ से। ये वक्रता त्रिज्या है और ये फोकस दूरी है, तो
तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, और r बराबर 2f ही अपन को सिद्ध करना था। ये अपना टॉपिक क्लियर हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।